सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ नशर। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अभी लॉकडाउन चालू है, सबको पता है, ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन घर बैठे ट्रैवलिंग के ऊपर बातें तो कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एवरी थर्सडे को, दैट इज गुरुवार को, मैं आके ट्रैवलिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें उसके ऊपर थोड़ा ज्ञान दूंगा, और हो सके तो आप लोग कमेंट में अपना ज्ञान शेयर कर देना। तो वैसा हम लोग ज्ञान ज्ञान खेलेंगे और हम सबका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि प्यार और नफरत की तरह ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, समझ रहे हो। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि भैया तू कौन है ट्रैवलिंग के ऊपर ज्ञान देने वाला। तो मैं बता दूं, जब मैं 6 महीने का था ना, मतलब 6 महीने का, जब किसी को चड्डी पहनने की अक्कल नहीं रहती है, तब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ये छोटा सा बच्चा जो है वो मैं हूँ। हरिद्वार में पावन गंगा नदी के अंदर मैं डुबकियाँ मार रहा हूँ। बाजू में पापा है, और ये दूसरा फोटो, उसमें मेरी मम्मी ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं मानसा देवी टेम्पल। रोप वे से वो हरिद्वार में ही है। तो थैंक्स टू माई पेरेंट्स जो बचपन से मुझे घुमा रहे, एंड जैसे मैं आत्मनिर्भर हुआ तब से मैं घूम रहा हूँ आत्मनिर्भर। तो 26 साल की उम्र में मैं 100 से ज़्यादा जगह घूम चुका हूँ, तो उस बात का कोई घमंड नहीं है, पर जो भी सीखा है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस इतना ही है, समझ रहे हो। तो ट्रैवलिंग किसी किसी को लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, किसी किसी को लगता है वेस्ट ऑफ मनी है, और किसी किसी को ऐसा लगता है कि घर बैठे जलेबी फाफड़ा खाने जितना आसान है। और वो उन लोग के लिए आसान है जो किसी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू जाते हैं, समझ रहे हो। और मैं जो ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ, वो ट्रैवलिंग है कि आप खुद से सब कुछ प्लान करके खुद ट्रैवल करते हो और खुद घर पे रिटर्न आते हो, वो ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ। और ट्रैवलिंग करना भी चाहिए, समझ रहे हो, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिलती है। तो क्या सीखने मिलती है वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो में आप लोग को सबको समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आप सीखते हो ट्रैवलिंग से, वो है बजट बनाना सीखते हो, ठीक है। तो कैसे, देखो ट्रैवलिंग एक नशा है। अगर आप एक बार ट्रैवल करोगे ना, तो आपको बार बार करने का मन करेगा, और 2-3 महीने में एक बार या साल में 3-4 बार आप ट्रैवल करने की कोशिश करोगे। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा बजट, फिगर आउट करना पड़ेगा आपको कि आपका इनकम कितना है, आपके फालतू के खर्चे किस में हो रहे हैं, और वो फालतू के खर्चे रोक के आपको जो पैसे बच रहे हैं उसको एक साइड में सेव करना है, जिससे आप उसको बाद में ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सको। तो ये बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, और बिना बजट के आप नहीं कर सकते। ट्रिप्स के लिए भी बजट बनाना पड़ता है कि आप कितना खर्चा एक ट्रिप पे कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बजट बनाना आप सीख गए ना, तो वो आपके फ्यूचर में कभी भी आपको काम में आ सकता है। अगर आपको घर लेना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो आप इतना सीख जाते हो कि आपके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ से पैसे बचाने हैं, कैसे पैसे बचाने हैं, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, फिर कब इन्वेस्ट करना है, वो सब आप टाइम टू टाइम सीख जाते हो ट्रैवलिंग करने से। मैं सीख गया, तो आप भी सीख जाओगे, समझ रहे हो। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आप प्लानिंग करना सीखते हो, ठीक है। अभी ट्रैवलिंग करना है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। सबसे पहले कि आपको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, मतलब कौन से स्टेट में ट्रैवल करोगे, कौन से कंट्री में ट्रैवल करोगे, अपने बजट जो बनाए उसके हिसाब से आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो, वो सब प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप प्लान करोगे, और वो 2-3 महीने पहले ही प्लान करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कब लीव्स मिल सकती है, कब हॉलीडेज आ रही है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि आपकी फैमिली कब फ्री है, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हो तो देखना पड़ता है। फ्रेंड्स कब फ्री है, अगर आप फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने वाले हो तो। और फिर ये भी प्लानिंग करना पड़ता है कि आपका काम कैसे आप कंप्लीट करोगे आपके लीव्स के पहले, कि आपके बॉस को बुरा ना लगे कि भैया ये घूम रहे हैं और इसका काम पड़ा हुआ है। तो ये सब प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये प्लानिंग हो गई सिर्फ इनिशियल प्लानिंग है, ठीक है। एक बार ये सब प्लानिंग हो गई, उसके बाद आपको दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप जो कंट्री या जो स्टेट में जा रहे हो वहाँ का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जब वहाँ पे पहुँचोगे तो कौन सी एरिया में रहना है, वो एरिया में क्या क्या देखने जैसी चीज़ें हैं, और कितना टाइम लगेगा उसको, कितने दिन लगेंगे, कितना कैसे ट्रैवल करना है, वो सब प्लानिंग करना पड़ता है, समझ गए। और अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपने एक ट्रिप भी सक्सेसफुली अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपने प्लान कर ली ना, तो आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी प्लान कर सकते हो, जो कि मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है। आपके दोस्तों के साथ प्लान करना एक ट्रिप, मतलब 3-4 साल समझ लो आप वही ट्रिप बार बार प्लान कर रहे हो, बार बार कैंसिल हो रही है, प्लान कर रहे हो कैंसिल हो रही है, प्लान कर रहे हो कैंसिल हो रही है, वैसे होते रहता है। जब जाके वो सक्सेसफुल होता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इतनी मेहनत मैंने ट्रिप प्लान करने में लगा दी है, तो उतनी मेहनत मैं अभी कोई भी चीज़ प्लान करने में लगा सकता हूँ। तो ये दूसरी चीज़ है जो सीखने मिलती है। थर्ड चीज़ है वो है कि आप अपने डर से लड़ना सीखते हो। अभी कैसे, देखो भाई, आप
अपने सिटी में हो, अपने सिटी में बचपन से रहते हो, तो आपको डर नहीं लगता, आप किधर भी जा सकते हो, किधर भी आ सकते हो, कुछ टेंशन नहीं। आपको पता है कि कॉल करेंगे तो आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली कोई भी आपको बचाने के लिए आ जाएगी, कुछ भी होगा तो। लेकिन जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो या दूसरे कंट्री में जाते हो, तो आपके दिमाग में एक डर रहता है कि भैया कुछ हो गया तो बचाने कौन आएगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वहाँ पे अच्छे से रह पाऊँगा, अच्छे से घूम पाऊँगा कि नहीं, ऐसा सब दिमाग में एक डर बन जाता है। और देखो ये डर है ना, सबसे ज़्यादा तब आता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो। अभी मैं सोलो ट्रैवल किया था चाइना में, ऐसे कंट्री में जहाँ पे कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता है, तो मेरे दिमाग में ऐसा डर था कि भाई मैं चाइना जा रहा हूँ, यहाँ पे लोग कुत्ते तक को भी नहीं छोड़ते, कुत्ते को भी काट के खा जाते, तो मेरा कुछ हो गया, मेरे को काट पीट के खा गए ये लोग, तो घर वाले कहाँ ढूंढेंगे, किसके पेट में जाके ढूंढेंगे, समझ रहे हो, ऐसा एक डर था। तो जब मैं गया वहाँ पे घूमा, वहाँ पे पता चला कि लोग एक नंबर के हरामी है, समझ लो। लेकिन 20% ऐसे भी लोग मिले वहाँ पे जो लोग अच्छे थे, जिन्होंने मेरी हेल्प की, तो उससे कैसा, उससे डर मेरा निकल गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सोलो ट्रिप किया, वो मुंबई टू बीर किया, उसमें भी मैंने गुजरात, राजस्थान, ऐसे सब सिटीज़ को कवर किया। वहाँ पे भी ऐसा डर रहता था कि कोई लूट लेगा मुझे, अकेला हूँ मैं, इतना सामान है मेरे पास तो। लेकिन जैसे जैसे ट्रैवल किया वैसे वैसे समझ में आता कि लोग इतने हरामी नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे ट्रैवल करोगे ना, वैसे वैसे आप अपने डर को ओवरकम करना सीख जाते हो, ठीक है। सो अभी फोर्थ पॉइंट ये है कि आप आदमी को पहचानना सीख जाते हो, ठीक है। अभी आप किसी अलग स्टेट में जाओगे, अलग कंट्री में जाओगे ना, तो वहाँ के जो लोग रहते ना, उन लोग को समझ में आ जाता है कि ये भैया हमारे सिटी का तो है नहीं, ये किधर बाहर से आ रहा है और ये टूरिस्ट है, तो इसको हम अब लूटेंगे। तो वो लोग नया नया स्कीम सुनाएंगे आप लोग को कि हम आपको इतने रुपए में इतना सब कुछ करके देंगे, इतने रुपए में ये देंगे वो देंगे, 50 रुपए की चीज़ को लोग 500 रुपया बता के आपको बेचने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब आप ट्रैवल करोगे, तो आप थोड़ा थोड़ा फंस जाओगे वो सब स्कीमों में, लेकिन जैसे जैसे कंटिन्यूस ट्रैवल करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बंदा बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके बोलने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक रहा है और एक स्कीम घुमा रहा है मेरे ऊपर, और मुझे ये स्कीम में घूमना नहीं है। और उसके मुंह पे आप डायरेक्टली बोल दो कि भैया जो ये 500 रुपये का तू चीज़ बेच रहा है ना, 50 में दे रहा है तो दे, वरना आगे बढ़। तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा लल्लूपन जो फालतू इंसान नहीं है, इसको एक्सपीरियंस है, ये घूम चुका है दुनिया, इसके सामने मेरा नहीं चलेगा, तो आपको 50 में बेच के साइड में निकल देगा। तो मेरे तो आदमी को पहचानना सीख जाते हो आप लोग। देखो अभी जो फिफ्थ पॉइंट है और सिक्स्थ पॉइंट है ना, आप एक साथ सीखोगे, कैसे समझा दो। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि आप अपने गुस्से पे काबू पाना सीखोगे, और सिक्स्थ पॉइंट ऐसा है कि आप अपने फेलियर्स को ओवरकम करना सीखोगे। अभी कैसे, देखो आपने घर बैठे सब कुछ प्लान कर लिया कि मैं वहाँ पे जाके ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मस्त इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे सीन्स कुछ अलग रहते हैं, ठीक है। आपके दोस्त लोग में से कोई ऐसा रहेगा जिसको सुबह उठने को होता नहीं है, देर तक सोते रहता है, उसके वजह से आपका जो दिन का जो प्लानिंग था वो फ्लॉप हो जाता है, तो फेल हो जाती है आपकी प्लानिंग। उसकी वजह से आपको आएगा गुस्सा, मन करेगा आपको कि उसका सर फोड़ू या तो फिर खुद का सर फोड़ू, लेकिन आपको करना पड़ेगा कंट्रोल कंट्रोल उदय, क्योंकि बाकी के दिन उसके साथ ही घूमने और आपका दोस्त है, मारपीट नहीं कर सकते उसके साथ, तो गुस्से को अपने आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। और जो प्लान आपका फेल हुआ है उसको साइड में रख के आप ऑन द स्पॉट दूसरा प्लान बनाना सीखोगे, तो गुस्सा आपका साइड में हो गया और यहाँ पे आपका दिमाग दौड़ना चालू हो गया दूसरे प्लान की तरफ, तो समझ रहे हो। तो गुस्सा और अपना जो फेलियर है उसको आप साइड में रखना सीखोगे और आगे बढ़ना सीखोगे, समझ रहे हो। देखो अभी जो सातवां पॉइंट है वो ये कि आप बात करना सीखते हो लोगों के साथ, ठीक है। अभी देखो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अननोन लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको बात करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कब तक अकेले अकेले करोगे, कभी तो थकोगे, कभी तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि कोई चाहिए मुझे बात करने के लिए। तो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके बाजू में कोई बैठा है, उसके साथ बात करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो बंदा क्या है, कैसा है, किधर से है, और ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो उसका होम टाउन हो, ठीक है, तो आपको बता सके कि वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है घूमने के लिए। तो बात करोगे वैसे पता चलेगा, वो कोई एक्सपीरियंस शेयर करे आपके साथ, उससे आपको कुछ सीखने मिल जाए, समझ लो। या तो फिर आप कोई सिटी में पहुंच चुके हो, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे लेना है, या फिर ये कौन से जगह पे जाना है तो कैसे जाना है, तो आप लोकल के साथ बात करनी पड़ेगी, उन लोग से हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उन लोग के साथ
बात कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, वो आप सीख जाते हो। तो ट्रैवलिंग में ये एक जो स्किल है जो आप सीख जाते हो। पहले मैं बात नहीं कर पाता था इतना, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे कैमरे के पीछे कौन कौन देख रहा है, ठीक है, सब अननोन है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं आज बात कर पा रहा हूँ ट्रैवलिंग के वजह से, समझ रहे हो। अभी देखो, आठवां पॉइंट ये है कि आप दूसरों के कल्चर सीखते हो। कैसे? अभी आप कोई कंट्री गए हो, कोई स्टेट गए हो, वहाँ पे उन लोग का रहने का और खाने पीने का क्या सिस्टम है वो आप सीखते हो। दूसरा ये कि उन लोग के फेस्टिवल्स कौन से हैं वो आपको सीखने मिलते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपको पता चलता है कि लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। उससे आपकी जो थिंकिंग रहती है ना, इतनी सी नैरो रहती है और इतनी ब्रॉड हो जाती है, क्योंकि आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बारे में भी सीख गए, तो आपका जो थिंकिंग है ना, वो ये कल्चर के साथ साथ ये कल्चर का भी हो जाता है, तो उससे आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, समझ रहे हो। तब दूसरों के कल्चर्स के बारे में भी आप सीख जाते हो जब ट्रैवल करते हो। तो नाइन्थ जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर, उसको साइड में फेंक के आप एडजस्ट करना सीखते हो। अभी कैसे, देखो अब घर पे हो, आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, अच्छा अच्छा बेड है, अच्छा पंखा चल रहा है, फिर खाने के लिए आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कुछ खाने के लिए ना मिले, जो आपको चाहिए वो ना मिले, ठीक है। तो अभी मैं चाइना गया था, थाईलैंड गया था, तब वहाँ पे लोग सब काट कूट के खाते हैं, लेकिन मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो मैं वो सब नहीं खा सकता, मुझे चाहिए प्योर वेज खाना। वहाँ पे प्योर वेज खाने के नाम पे मिलते हैं फ्राइड राइस और उबले हुए वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वहाँ पे मैं नखरे नहीं कर सकता कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये चीज़ के साथ, मुझे नहीं खाना है, ठीक है, और मैं नहीं खाऊंगा। तो लोग बोले कि मत खा भैया, मुझे क्या है, मर जा, ठीक है। लेकिन आपको मरना नहीं है, तो आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, वो खाना खा लोगे, क्योंकि आपको जीना है ज़िंदगी, ठीक है। तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे जब ट्रैवल करोगे। तो देखो, अभी जो 10 और आखिरी पॉइंट है ना, वो ये है कि आप कम चीज़ों में खुश रहना सीखते हो, ज़िंदगी जीना सीखते हो। अभी कैसे, देखो मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं ऐसे ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे वाटरफॉल्स देखने के लिए मिले, या तो फिर मैं ट्रैक्स पे जाता हूँ, तब ऐसा रहता है कि ये जो सब जगह रहती है ना, वो सिटी से बाहर रिमोट एरियाज में रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं, गांव के बीच में से निकलते हो ना, तो आपको गांव वालों को देख के ऐसा फीलिंग आती है कि भैया इन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं उन लोग ने, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, फिर भी ये लोग खुश क्यों है इतने। छोटे छोटे बच्चे अपने अपने में खेलते रहते हैं, उन लोग के पास मोबाइल वोबाइल कुछ रहता नहीं है, फिर भी अपने अपने में खेलते रहते, खुश रहते हैं। बड़े लोगों के पास टीवी नहीं रहता देखने के लिए, एसी नहीं रहता, और वो लोग अपने अपने में बैठे बैठे बातचीत करते खुश रहते हैं, तो वो सब सीखने मिलता है। हम लोग के यहाँ पे कैसा हो गया अभी, कि छोटे छोटे बच्चे को अभी मोबाइल चाहिए, उन लोग के हाथ में भी आईफोन थमा देते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे बच्चे लोग के हाथ में एक छोटा सा चॉकलेट भी दिया तो भी वो लोग एक महीने तक खुश रह गए, वैसे रहते वो लोग, छोटी छोटी चीज़ों में वो लोग खुश रहते हैं, ठीक है। और हम लोग को चाहिए सब बड़ी बड़ी चीज़ें, ऑडी है तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है तो प्लेन चाहिए, प्लेन है तो जेट चाहिए, जेट है तो स्पेसशिप चाहिए, स्पेसशिप से हम लोग को जाना है मार्स पे, लेकिन हम लोग खुश नहीं है भाई, हम लोग अर्थ पे है, अर्थ पे हम लोग को खुशी नहीं मिल रही, हम लोग को जाना है मून पे, वहाँ पे पानी ढूंढ रहे, मार्स पे जाके पानी ढूंढ रहे। भैया इधर है ना, इधर रहो खुश, क्यों नहीं, अर्थ में रह के खुश रहो ना, नहीं नहीं रहना है, हमको जाना है, हमको सब बड़ा बड़ा चाहिए, छोटा कुछ नहीं चाहिए, सब बड़ा बड़ा चाहिए, हमको खुश नहीं रहना है, हमको ज़िंदगी से संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप ट्रैवल करोगे और ऐसे सब जगह पे जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि भैया दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है जितना हमारे पास है, फिर भी वो लोग खुश है, ज़िंदगी जी रहे हैं, तो देख रहे हो। तो आप ज़िंदगी को जीना सीखोगे ट्रैवल करोगे, तो ये सब जो चीज़ें ना, वो आप सीखते हो ट्रैवलिंग से। अगर अगली बार आपको कोई पूछे कि भैया ट्रैवलिंग करते हो तो क्या सीखने मिलता है, तो उनको ये सब पॉइंट्स बता देना, या तो फिर ये वीडियो बता देना, ठीक है। तो और मैं बाकी पेरेंट्स को भी इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे लोग को थोड़ा घूमने दो, दुनिया देखने दो, ये सब सीखने मिलेगा उन लोग को भी, क्योंकि ये सब स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाते, समझ रहे हो। तो ट्रैवलिंग से ये सब सीखने मिलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट कवर करना भूल गया हो, या फिर आप कुछ अलग सीखे हो अपने ट्रैवलिंग से, तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, मुझे सीखने मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, बस ये फर्स्ट एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही एपिसोड्स देखने हैं, ट्रैवल रिलेटेड सब कुछ देखना है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि मेरे एक भी एपिसोड या व्लॉग्स को आप मिस ना करो। एंड बस प्यार बरसाते रहो, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, नफरत, ज्ञान सब बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खाओ पियो और मेरे वीडियोस के द्वारा घूमते रहो। टाटा बाय बाय।